आकाश भूमि न्यूज, खबरों का संसार सीधे आपके द्वार। हर खबर पर हमारी नजर। भदोही में स्वास्थ्य कर्मियों पर कोरोना का प्रहार, मरीजों में मचा हाहाकार। जनपद में जहां कोरोना दिन प्रतिदिन अपने पांव पसार रहा है, वहीं प्रवासियों व कोरोना संक्रमितों की जांच करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों पर भी कोरोना की तलवार 24 घंटे लटकी रहती है। अर्थात किसी भी वक्त स्वास्थ्य कर्मी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। कोरोना काल के दौरान अब तक जनपद में 4 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना जैसी भयंकर महामारी की चपेट में आ चुके हैं। शनिवार को ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय में तैनात एक एक्सरे टेक्नीशियन के पॉजिटिव मिलने के बाद कोरोना योद्धाओं व अस्पताल में इलाज कराने वाले लोगों में दहशत का माहौल है। एक्सरे टेक्नीशियन की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। स्वास्थ्य कर्मी का आवास भदोही में है, जहां से वह प्रतिदिन जिला अस्पताल ज्ञानपुर ड्यूटी करने आता है। एहतियातन उसने अपनी रिपोर्ट कराई थी, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। सबसे पहले गोपीगंज सीएससी का वार्ड बॉय कोरोना संक्रमित पाया गया था, जिसके बाद वार्ड बॉय का आवास ज्ञानपुर तहसीलदार देवेंद्र यादव द्वारा सील कराया गया था। इसके बाद औराई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लैब टेक्नीशियन पॉजिटिव पाया गया, जिसकी तैनाती भदोही के महाराजा बलवंत सिंह चिकित्सालय में की गई थी। तीसरा स्वास्थ्य कर्मी सूर्यामा सीएससी में पाया गया। चौथा स्वास्थ्य कर्मी जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर में मिलते ही हड़कंप मच गया। जहां एक तरफ स्वास्थ्य कर्मी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, वहीं इन स्वास्थ्य कर्मियों के संपर्क में आने वाले मरीजों में भी भय का माहौल बना हुआ है। ज्यादातर लोग कोरोना टेस्ट करवाने की सोच रहे हैं। जनपद भदोही से आकाश भूमि न्यूज के लिए एसके मिश्रा की रिपोर्ट। टेक्नीशियन है, यही कल पॉजिटिव आ गए, तो सूचना हुई तो हमने एक्सरे डिपार्टमेंट और उधर तखाजी वगैरह सब बंद करवा दिया है और बाकी सैनिटाइज करवाए हैं। अब क्योंकि जो है सी एम ओ साहब हो सकता है उनको भेजें, अपने यहाँ रखें या मिर्जापुर भेजें, जैसे भी सी एम ओ आदेश होगा वैसा वो करेंगे। और प्रशासन अपने कर्मचारियों का सब करवाने के लिए 5 दिन बाद चिट्ठी जो है जाएगी, 5 दिन बाद और लोगों का भी सब करवाएंगे। जैसे गोपीगंज में उधर भी जो है अलग है ना, वो पूरी विंग उधर बंद करवा दिए हैं, उसे बंद रहेगा और सैनिटाइज होगा कम से कम 24 घंटे बाद ही उसमें खोलेगा। ठीक है, लेकिन अब वो एक्सरे करने वाला कोई दूसरा आदमी तो है नहीं, तो वो तो 2 हफ्ते बाद ही रहेगा। पैथोलॉजी में कोई निकलता है तो पैथोलॉजी देखा जाएगा, नहीं सब नॉर्मल रहता है पैथोलॉजी में तो कोई दिक्कत नहीं, पैथोलॉजी चलेगी। 2 दिन बाद तो उनको नहीं करो।